Today we are going to start new chapter, that is Microsoft Word. Okay? Children, open page number 77, chapter 9, Microsoft Word. Children, we are going to cover MS Word 2010, Word window. I will explain you कि वर्ड विंडो में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से बार हैं, क्या है, सब कुछ उसका पूरा डिटेल. हाउ टू एंटर टेक्स्ट, किस तरीके से हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वर्ड में. सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, यानी उसका स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, और भी फॉर्मेटिंग होती है, कलर चेंज करना. देयर आर मेनी थिंग्स वी विल डू व्हेन वी विल कम टू दिस टॉपिक. सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं. ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो आपने पहले से सेव किया हुआ है उसको ओपन करना. क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज किस तरीके से करते हैं. एग्जिटिंग वर्ड, वर्ड को एग्जिट कैसे करते हैं, वर्ड से बाहर कैसे निकलते हैं. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे चैप्टर 9 में, बट स्लोली स्लोली. ओके, हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक हियर अगेन. यू हैव ऑलरेडी लर्न वर्ड पैड, विच इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर. आपने वर्ड पैड पढ़ा है, वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यानी वर्ड पे प्रोसेसिंग करने वाला सॉफ्टवेयर. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज़ अ मोर एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर ही है, बस थोड़ा एडवांस वर्ड प्रोसेसर है. इसमें जो फीचर्स हैं बेटा, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फीचर्स हैं वो वर्ड पैड से थोड़े ज़्यादा हैं, एडवांस्ड फीचर्स हैं. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज़ अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू राइट लेटर्स एंड रिपोर्ट्स ब्यूटिफुली. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लेटर्स और रिपोर्ट्स को ब्यूटिफुली लिखते हैं, लिख सकते हैं. You can add borders, हम borders add कर सकते हैं, shading add कर सकते हैं, you know, we can shade, tables और graphics add कर सकते हैं, document में insert कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, right? So Microsoft Word के बहुत सारे features हैं. बेटा आपका annual function पे, आपको annual sports, annual function पे जो invitation card मिलता है वो भी design किस पे करते हैं आप, Microsoft Word पे ही design किया जाता है. वी हैव मोर सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं डिज़ाइन करने के लिए, पर यूजली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप टेम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें, ऐसे जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, ब्रोशर्स, ये सब आप डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं, राइट. देन इसका सिंबल क्या है, दिखता कैसा है, डब्लू. तो अगर ये सिंबल आपको सिस्टम पे दिख रहा है, तो यानी कि ये किसका सिंबल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का. ये बिग डब्लू डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे करते हैं. आपका फर्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग वर्ड 2010. इसको ओपन कैसे करेंगे वर्ड को, अगर आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप अपना ओपन किया, फिर उसको स्टार्ट कैसे करोगे आप. विंडोज मस्ट बी रनिंग टू स्टार्ट वर्ड, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप वन क्या है आपका, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. ठीक है, स्टेप वन क्या है आपका, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, आई विल शो यू, ये आपका स्टार्ट बटन है. ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, दिस इज़ द स्टार्ट बटन. कुछ सिस्टम पे स्टार्ट बटन ऐसा होता है, कुछ सिस्टम पे स्टार्ट ही लिखा होता है. सी, मैंने यहाँ पे आपको पूरा स्टेप दिखा दिया. स्टेप वन क्या है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है.
ठीक, स्टार्ट बटन कुछ ऐसा होगा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे बेटा, एक स्टार्ट मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में वन ऑफ द ऑप्शन इज ऑल प्रोग्राम्स। स्टार्ट मेन्यू में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑल प्रोग्राम्स। सो आपको ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे, साइड वाइज एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा, सब मेन्यू। उस सब मेन्यू में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, किस पे क्लिक करना है, दैट इज स्टेप 3। यू हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेप 1 स्टार्ट बटन, स्टेप 2 ऑल प्रोग्राम्स, स्टेप 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया तो सब मेन्यू ओपन होगा, यानी सब मेन्यू जो है हमारा ऑल प्रोग्राम्स वाला, उसका भी सब मेन्यू, दैट इज जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, देन ऑफिस वर्ड, राइट। बट ये पिक्चर मैंने इसलिए आपको, आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत क्लियरली मैंशनड हैं, इसमें बहुत क्लियरली शो हो रहे हैं स्टेप्स। अदरवाइज इसमें देखो, आप देखोगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003, पर आपका 2003 नहीं है। आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर क्यों? क्योंकि ये इसमें स्टेप्स बहुत क्लियरली मैंशन है, स्टेप्स आपके सेम हैं, बस 2003 की जगह आपका 2010 होगा। सी ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, मेन्यू ऊपर पॉप हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू, उसमें से ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, साइड मेन्यू आ जाएगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे, एक और वन मोर मेन्यू विल कम, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करोगे, देन क्या हो जाएगा, आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इस विंडो पे डॉक्यूमेंट का नाम होगा डॉक्यूमेंट 1। इस विंडो में डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर खुद ही लिख के आएगा, डॉक्यूमेंट 1। टिल द टाइम यू डोंट सेव द डॉक्यूमेंट, ऊपर डॉक्यूमेंट 1 ही लिखता है। आप जब तक डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे किसी और नाम से, वो डॉक्यूमेंट 1 ही रहेगा। और सिंपली सेव कर दोगे तो अपने आप, जब आप सेव करने जाओगे तो सेव विंडो पे डॉक्यूमेंट 1 ही लिख के आता रहता है। आप उसमें वो नेम एंटर करेंगे जिस नेम से आप सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, ओके, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव टू द डॉक्यूमेंट, जिससे कि यू विल गिव, बिकॉज हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कौन सी फाइल है, फाइल के नाम से ही। इसीलिए हम जिस भी चीज़ का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसको उससे मिलता जुलता नाम देते हैं, जिससे कि हमें डॉक्यूमेंट का नाम देख के समझ आ जाए ये किस चीज़ की फाइल है, राइट। सो बट सेविंग एंड ऑल वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, ये आपके आगे के टॉपिक्स हैं बेटा। बट जब आप ये स्टेप्स क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन, ये है आपका ग्रीन वाला स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इतना करने के बाद ये विंडो आ जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट 1 लिखी हुई। देखो आपकी बुक में भी इट इज़ क्लियरली मैंशनड। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपियर। नंबर 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। नंबर 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नंबर 4, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल अपियर विद एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1। ये एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट 1, ये मैंने आपको बताया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। और जिनके पास घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो अभी आप इसको प्रैक्टिकल करो, आप MS Word ओपन करो,
start MS Word. Okay, you will do this practical during the class. क्लास के टाइम पे जिस जिसके पास लैपटॉप है वो ये वर्क करेगा, वो ये ओपन करने की कोशिश करेगा. यू हैव टू डू इट एंड आफ्टर डूइंग इट टेल मी दैट यू हैव डन इट. फाइन. एंड जिसके पास नहीं है वो इन स्टेप्स को ध्यान से देखेगा, समझेगा. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.